खमा गणिसा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना मनोहर में। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार डाल रही हूँ। चंदेरी पोशाक, चांदी की पोशाक, कॉपर की जो पोशाकें होती है उनके ऊपर ये वीडियो है। पोशाकों के ऊपर मैं इससे पहले भी 3-4 वीडियो डाल चुकी हूँ, वो आपने नहीं देखे हों। जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली में नए मेंबर जुड़े हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी देख लेना, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ। साथ में अभी देखो आप थंबनेल की फोटो अटैच हो रही है तो आप देख सकते हो मैंने अपने कुछ लेटेस्ट पोशाकें अपनी शादी में जो कैसे फंक्शन वाइज पोशाकें पहनी थी उन सब पे मैंने वीडियो बनाया था, तो आप वो देख सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि आप चांदी की पोशाकों के बारे में बताओ, चंदेरी की पोशाकों के बारे में बताओ, तो मेरा वीडियो उसी को लेके है। होपफुली आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और होप आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत 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 मैटर करता है, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आप और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। सो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में कुछ मिक्स पोशाकें हैं और मैं आपको बता देती हूँ दे आर नॉट माय पोशाक, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और सो ये है जीजा की पोशाकें और जो उन्होंने अभी लेटेस्ट बनवाई थी, तो मैंने सोचा आपको सिर्फ नॉलेज देनी है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। दस साल में ये पोशाकें आपको दिखा रही हूँ। तो ये है चांदी की, चंदेरी की, कॉपर की पोशाकें हैं, लेटेस्ट अभी बनवाई गई पोशाकें हैं। और मेरे पास में मैंने भी अभी बनवाई है कॉपर में इनमें पोशाकें, वो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। मैंने मेरी एनिवर्सरी वाला जो वीडियो दिखाया था, गिफ्ट वाला वीडियो, उसे मैंने आपको दिखाया था बाहर से पैकिंग, तो वो जो मैं पहनूंगी तब दिखाऊंगी आपको। और ये पोशाकें मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो सारी पोशाकें हैं ये मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ की शॉप है और राजपूती ड्रेसेस की, ये सब पोशाकें वहीं की बनी हुई है। अगर आप ये बनवाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे रही हूँ, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस है शॉप का, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको पोशाक बनवानी है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो ही प्लीज़ आप कॉल मैसेज करें, अन्यथा आप प्लीज़ अदरवाइज किसी और चीज़ के लिए कॉल मैसेज ना करें। क्योंकि देखो इससे है ना हर कोई परेशान होता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कुछ मेकअप आर्टिस्ट के और किसी चीज़ के नंबर शेयर करे थे, तो मेरे को वहाँ से कॉल आ रहे थे कि यार वो लोग मतलब आपके जो सब्सक्राइबर हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कि बहुत परेशान करते हैं फ़ोन करके, नॉर्मली कुछ भी बोल रहे हैं कि बस कुछ पूछना नहीं है, ये वो कुछ भी, तो थोड़ा वो चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ नंबर हम लोग इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको परेशान ना होना पड़े। आप लोग मुझे 50 कमेंट करते हो कि जीजा प्लीज़ आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, आपने कहाँ से बनवाई, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाती, आप लोग भी परेशान होते हो, इसलिए मैं स्क्रीन पर नंबर डाल रही हूँ कि आपको इनमें से कुछ भी पसंद आए तो आप इजिली आप उनसे बनवा सकते हो। और जयपुर में है शॉप, अगर आप जयपुर से बाहर के हैं, मतलब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं आउट ऑफ जयपुर से हैं, तो वो लोग ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, तो प्लीज़ आप जो नंबर है वहाँ से कॉन्टेक्ट कर लेना। तो हम फर्स्ट पोशाक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, ये येलो कलर की पोशाक है और ये है चांदी की पोशाक। ये जितनी भी पोशाकें मैं आपको दिखा रही हूँ सारी सुमो साटन के ऊपर बनी गई है। सुमो साटन बहुत बेस्ट वाला साटन होता है पोशाकों के लिए। पहले के टाइम पे जो पोशाकें होती थी अभी भी बनती है, बट पहले मेनली जो भारी वाली पोशाकें होती थी वो प्योर के ऊपर बनती थी। मैंने अपना एक पोशाक वाले वीडियो में बताया है, आपको नहीं पता तो उसको देख लेना, उसमें आपको फुल डिटेल पता लग जाएगा। सो उस टाइम पे बनता था, पर प्योर जो क्या होता है ना, हैवी इतना वर्क होता है, उसको रखे रखे वो कटने लग जाता है। अगर आप अपने दादी सा नानी सा अपने मम्मी इनसे पूछोगे तो उनकी जो पुरानी पोशाकें होती है वो यही बोलेंगे कि वो रखे रखे कट गई है, क्योंकि वो इतना हैवी वर्क होता है, उसको वो इतना नहीं कैरी कर सकता है प्योर। ठीक है, तो आजकल जो क्या हो गया ना कि सुमो साटन होता है उस पर बनाया जाता है जो अपनी पोशाकें, जैसे हमारी जो शादी की आजकल बरियां होती है वो भी सुमो साटन पे बनने लग गई, प्योर के ऊपर नहीं बनती, क्योंकि सुमो साटन बहुत ही अच्छा वाला कपड़ा है, उस चीज को कैरी भी कर लेता है, उसका ग्रेस भी आता है पोशाक में और वो सालों साल आपकी चीज खराब भी नहीं होती है। तो ये सारी जो पोशाकें हैं सुमो साटन के ऊपर हैं। जो पहली वाली पोशाक मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये है, और मैं सारी पोशाकें आपको दिखा दूंगी, मतलब पूरी पूरी ओपन करके भी। ओके, ब्लू एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में ये वाली पोशाक है। अच्छा, इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो ना, ये फ्लावर्स मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये जो आप फ्लावर देख रहे हो ना ये पूरे चांदी के हैं, ओरिजिनल चांदी के हैं ये,
और इसके जो ये नीचे वाला जो ये देख रहे हो ना आप ये नीचे, ये यहाँ पर ये चांदी का नहीं है, ये नॉर्मल गोटा लगवाया गया है। अगर आप चाहे तो, क्योंकि आप अपने पसंद से कस्टमाइज करवाते हो पोशाक के, आप चाहे तो ये भी ओरिजिनल चांदी लगवा सकते हो, पर ये इसलिए नहीं लगवाया गया है क्योंकि नीचे लावण में आता है, खराब ही होगा, इसलिए चांदी का ना लगवा के। एंड बाकी जो आप ये वाले फ्लावर्स देख रहे हो ना पूरी पोशाक के ऊपर, ये जो फ्लावर्स हैं ये सब ओरिजिनल चांदी के हैं। और जो चांदी की पोशाक होती है ये सिर्फ चांदी का जो काम है पोशाकों पे नहीं होता है, ये आपको साड़ी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जो रॉयल होती हैं, कई विमेंस हमारे ये पहनती है रॉयल साड़ी, उनके ऊपर होता है, लहंगों के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। चंदेरी चांदी में क्या डिफरेंस होता है वो भी आगे मैं जब चंदेरी की पोशाक दिखाऊंगी तो आपको बता दूंगी। तो चांदी में लफ्फे का काम, चांदी के फ्लावर और ये चंदेरी का, इवन गोल्ड की भी पोशाकें बनती हैं। सो ये इस तरीके से काम होता है। एंड अगर आप प्राइस मुझसे पूछोगे तो देखो मैं उसकी फिक्स प्राइस नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी क्या करंट चल रहा है सिल्वर का, जो रेट होता है ना, करंट रेट क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बने बनाए भी आपको मिल जाते हैं, जैसे जयपुर में जौहरी बाजार, आई थिंक जौहरी बाजार या चांदपुर, वहां पर ये बल्क में फ्लावर मिलते हैं आपको, वहां से आप फ्लावर लेके आ जाओ और आप जहां से बनवा रहे हो अपने उनको दे सकते हो अगर आपको ऐसा करना है तो। और डायरेक्टली आप अगले को ही बोल रहे हो तो वो भी लाके बना देगा। और ये आपके ऊपर जैसे एक पोशाक के अंदर आई थिंक 70-80 फूल लगते हैं एक पोशाक के अंदर, जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि 70-80 देखने में आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ओढ़नी वगैरह पे भी लगते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको नॉर्मल पोशाक बनवानी तो उस अकॉर्डिंग इतने तो लगते ही है, भैया ने मुझे यही बताया था, मैंने उनसे पूछा था। सो ये फर्स्ट पोशाक है और ये बहुत 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 प्यारी लगती है। देखिए पूरी पोशाक पे चांदी का काम है और ये एक रॉयल लुक देते हैं। जो चांदी की पोशाकें होती है ये अभी नहीं चली है, कोई लेटेस्ट चीज़ नहीं है, ये पुराने ज़माने से हमारे चली आ रही है कि ये चांदी की पोशाकें पहना, चंदेरी की पोशाकें पहना। इनको हम सच्चा काम भी बोलते हैं, खरा काम भी बोला जाता है। जो चांदी की पोशाकें होती हैं उनको बोलते हैं सच्चे काम की पोशाक पहनी हुई है, खरा काम है। तो यू नो एक रॉयल्टी शो होती है, जैसे कि हाथी दांत का चूड़ा होता है, नॉर्मल पहनने को हम ये पहनते हैं लेकिन एक हाथी दांत का चूड़ा होता है तो एक रॉयल्टी शो हो जाती है। सो वो वाली बात है। एंड आपकी चॉइस पे भी है आपको कैसे क्या पसंद है। तो ये फर्स्ट वाली पोशाक है, बहुत प्यारी है। अगर आप इस तरीके से एक हल्की फुल्की पोशाक बनवाना चाहते हैं अपने बजट में तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली पोशाक परफेक्टली बन जाएगी। कलर भी बहुत प्यारा है एंड ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। तो मैं आपको क्विक से इसका पूरी पोशाक दिखा देती हूँ। देखिए इसका ओढ़ना सेम पूरे के पूरे ओढ़ने के ऊपर भी ऐसा ही काम किया गया है। ये देखिए सेम पूरे ओढ़ने के ऊपर है। सो अच्छे से पूरी हैवी पोशाक है। इसका जो ओढ़ना है वो ठाकुर जी का, प्योर ठाकुर जी का ओढ़ना है। तो पूरे पे ये दिया गया है। तो आप एक इस तरीके से फूल वाली जो होते हैं ना ये वाली पोशाक बनवा सकते हैं। सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ अगेन चांदी की ही पोशाक। ओके ये है ऑरेंज कलर में, वो थोड़े से गोटे वाले फूल थे। अच्छा मैं आपको दोनों पोशाकों में एक डिफरेंस ही बता देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए इसमें जो फ्लावर आप देख रहे हो ना, ये देखिए पास से थोड़ा सा, ये आपको गोटे के जैसे फ्लावर है ना पूरे, ये जो फ्लावर है ना ये पूरे गोटे वाले फ्लावर, ये देखिए। तो इसका जो वर्क है ना वो फ्लावर तो है लेकिन गोटे वाला फ्लावर। अब मैं आपको जो दूसरे दिखाने वाली हूँ इसमें भी फ्लावर्स हैं बट ये गोटे वाले नहीं है, ये चांदी के तार के बने हुए फ्लावर, वो चांदी के गोटे थे और ये चांदी के मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूँ। अगेन ये भी सुमो साटन के ऊपर है और ये देखिए इसका जो ओढ़ना है वो डबल शेड में है। ये है ये सेकंड जो हमारी पोशाक है, ये रही, ये चांदी की है। इसके अंदर जो ये वाले फ्लावर्स है ना ये चांदी के हैं, ये बाकी चीज चांदी की नहीं है, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना ये चांदी के हैं। तो ये पोशाक देखिए ये भी बहुत 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 प्यारी पोशाक लगती है। पूरी पोशाक के ऊपर एक इस तरीके से काम है और जिनको समझ होती है, जिनको परख होती है वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ओरिजिनल चांदी का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो फ्लावर आप देख रहे हो ना ये एकदम प्रॉपर पूरा चांदी के तारों से बना गया ये फ्लावर है पूरा, और उसमें लफ्फे वाला फ्लावर था। तो ये देखिए ये इस तरीके से फ्लावर्स है, ये रहे छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ पर है। तो पूरी पोशाक के अंदर ये बेले बना के इस तरीके से ये फ्लावर्स लगाए गए हैं। तो सेकंड पोशाक हमारे पास में ये है एंड जो इसका ओढ़ना है सेम वही, इसके ओढ़ने पे भी फ्लावर्स दिए हुए हैं, मतलब पतले वाले छोटे वाले जो फ्लावर्स है उनसे एक पूरा जाल सा बनाया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट में इस तरीके से, पर नॉर्मली
नॉर्मली कि आप लाइट वेट भी बनवाते हो तो 25,000 तक की एक नॉर्मल आपकी लाइट वेटेड चांदी की पोशाक बन जाएगी। ऊपर फिर आप जितना बढ़वाते जाते हो उस रेंज में बढ़ता जाएगा। अच्छा, चांदी की पोशाकें, चंदेरी की पोशाकें, ये सब आर्टिफिशियल भी बनती है। जी हाँ, बिल्कुल, हर चीज का नकली है भाई, हर चीज की डुप्लीकेट चीज मिल जाएगी आपको। सो जैसे ये ओरिजिनल है वैसे आपको डुप्लीकेट में भी मिलती है, बट परख होनी चाहिए, देखने वाला होना चाहिए आपको। मतलब उस वे में नहीं जाना, इतना प्राइसेस में नहीं जाना, तो आप इसको आर्टिफिशियल वाला भी बनवा सकते हो। सो वो भी आपको मिल जाएगी। थर्ड में आपको, पहले मैं आपको चांदी वाली ही क्लियर कर देती हूँ, फिर हम आएंगे दूसरी वाली पोशाकों पे। थर्ड पोशाक है मेरे पास में ये, और ये भी है चांदी की पोशाक। इसमें क्या है, ये भी लफ्फे वाला काम है, लफ्फे वाला से मेरा मतलब गोटे वाला जो काम है ना, वही काम है जैसे फर्स्ट वाली पोशाक में था। ये फ्लावर्स नहीं है, ये थोड़ी सी अफोर्डेबल रेंज में पड़ जाती है एक्चुअली पोशाकें। ब्लू एंड पर्पल सा, पिंक सा कलर है ये। ये देखिए, ये पूरी पोशाक के अंदर इस तरीके से गोटे का लफ्फा बनाया गया है। पूरी पोशाक इस तरीके से है, ये एकदम दिखे बिल्कुल गोटे वाला जो होता है ना वो है। ये पूरा चांदी की है, ओरिजिनल चांदी के हैं ये सारे लफ्फे, ये देखिए। तो ये सब ओरिजिनल चांदी की है सारी की सारी। इसकी, इसका लहंगा है ये, ये देखिए, ये इसका लहंगा है, कितना सुंदर है। तो ये पूरे के पूरे लहंगे के ऊपर ये पूरा ऐसे काम दिया गया है। मैं अभी आपको सारी पोशाकें दिखा रही हूँ, उनके डिजाइन प्रॉपर पूरी पूरी। तो ये इसके लहंगे पर डिजाइन दिया गया है, ये पोशाक है। और जो इसका ओढ़ना है सेम वही का वही वर्क इसके ओढ़ने पे दिया गया है, पूरी ओढ़ने के ऊपर जाल बनाया गया है। तो ये है, चांदी की पोशाक। अब मैं आपको थोड़ी सी एक हटके चीज दिखाती हूँ, कॉपर की पोशाक। अभी कॉपर की पोशाक मैंने बनवाई है, कौन सी बनवाई है, मैंने भी ब्लू कलर में, मेरी एनिवर्सरी पे बनाई है, मैंने अभी तक पहनी नहीं है, वो किसी आपको स्पेशल से फंक्शन पे देखने को मिलेगी। ओके, ये पोशाक है कॉपर की। इसमें आपको पता होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। चंदेरी हो गया, कॉपर हो गया, जैसे चांदी की पोशाकों में तो क्या था, फूल लाने हैं, गोटा लाना है, लफ्फा लाना है एंड पोशाकें बन रही है। लेकिन जो कॉपर की पोशाक हो गई, इसको ट्रेसिंग वाली पोशाक भी बोलते हैं। ट्रेसिंग जैसे मेरी जो पोशाक ब्लू की वो ट्रेसिंग की है, ये चंदेरी की जो पोशाक होती है ट्रेसिंग की बनती है। इसमें क्या होता है ना, ओढ़ने आते हैं सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जैसे आपको चाहिए अलग अलग कलर के ओढ़ने मिलते हैं। उन ओढ़नों को लेके आप उनकी डिजाइन लेके, वो जो कारीगर होते हैं जो भी पोशाक बनाते हैं वो उनको लेके, उनमें से जो बीच का बॉर्डर हटा दिया जाता है चारों तरफ का, और जो बीच का वर्क होता है उसको कट कर लिया जाता है। देन आपको जो कलर चाहिए, जो पोशाक बनवानी है, जैसे लाइक ये ब्लू कलर में हमने पोशाक बनवानी थी, तो ब्लू कलर का पूरा थान होता है, जैसे लहंगे का हो गया, तो उस थान को फिर अड्डे पे चढ़ाया जाता है जिसपे पोशाक बनती है, और उस पे वो चीजें कट के, मैं साथ में फोटो अटैच कर रही हूँ आपके समझ के लिए, वो चीजें अटैच की जाती है, उसके बाद में पोशाकें बनती है। तो ये वाला जो काम होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको ट्रेसिंग का पोशाक काम बोलते हैं, कि एक चीज से उतार के दूसरी चीज पे लगाई गई है, क्योंकि इसके ओढ़ने आते हैं, ओढ़ने सेलेक्ट करने पड़ते हैं आपको, एंड इनके जो ओढ़ने होते हैं बहुत बहुत हैवी होते हैं। सो इसे, ये है कॉपर। कॉपर आपको पता है जैसे सिल्वर है वैसे कॉपर होता है तांबा, तो ये उसकी पोशाक है। जी हाँ, कॉपर की भी पोशाक बनती है, गोल्ड की भी पोशाकें बनती हैं। तो ये वाली पोशाक है, एंड ये फुल घेर वाली पोशाक है, बहुत बहुत सुंदर वाली पोशाक है ये। और अगेन ये सुमो साटन के ऊपर है, इसका जो ओढ़ना है वो हमराई, सॉरी, इसका जो ओढ़ना है वो ठाकुर जी प्योर ओढ़ना है। ब्लू कलर में आपको इससे ज्यादा दिखने को मिल रही है, क्योंकि जो सिल्वर वाली ज्वेलरी है उनकी वो ब्लू कलर में है, तो वो मेनली इनको ब्लू अपने सिल्वर वाली ज्वेलरी के साथ वियर करते हैं। दैट्स व्हाई वीडियो के चक्रों में है ना, पूरी जो पोशाकें ड्राई क्लीन की होके समेट के रखी जाती है ना, सब ऐसे खराब करनी पड़ जाती है, इतनी मेहनत लगती है। एक सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, ओ माय गॉड, इसका जो कलर है ना एकदम रॉयल ब्लू कलर है, मतलब इतना शाइनिंग है ना ये कलर, शायद कैमरा इसको कैच नहीं कर पा रहा होगा, बट ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ये कॉपर की पोशाक है, इतनी सुंदर लगती है पहनने के बाद में, फुल घेर है इसके अंदर, संगीत के हिसाब से परफेक्ट वाली पोशाक है, और ये कॉपर का काम है प्रॉपर एकदम। ये देखिए, ये सारा ट्रेस होता है, ये दूसरी पोशाक से, मतलब दूसरे ओढ़ने से उतर के इस पोशाक के ऊपर लगता है, सो इसे ट्रेसिंग की पोशाक भी बोलते हैं। ये है कॉपर की पोशाक, ये देखिए किस तरीके से लगती है,
ये है कॉपर की बिछार, ये इसका ओढ़ना है, ओढ़ने के ऊपर भी पूरे पे जाल है, सेम काम है। और ये मैं आपको इसका लहंगा दिखा देती हूँ, ये इसका लहंगा है, ये देखिए बहुत प्यारी पोशाक है, ये बहुत ही सुंदर पोशाक है, ये बहुत ही प्यारी लगती है ये पोशाक। सो ये कॉपर की पोशाक होती है, आप चाहें तो इस तरीके से चांदी की इसके अलावा कुछ हटके बनवाना चाहते हैं तो आप कॉपर की पोशाक बनवा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। लास्ट मेरे पास में है चंदेरी की पोशाक, ये आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी लिटिल बट एक्सपेंसिव बनती है। ये वाली जो पोशाक बनी थी 50,000 के अप्रॉक्स बनी थी, 50-55 के समथिंग बनी थी, मुझे फुल आइडिया नहीं है बट हाँ भैया ने इतना ही बताया था, आई थिंक 50,000 से 55,000 की बनी थी। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा हैवी। अच्छा मैं आपको एक डिफरेंस समझा देती हूँ, इनको सच्चा काम खरा काम बोलते हैं। जब आपने मैंने आपको चांदी की फूल वाली पोशाकें दिखाई, मैंने आपको चांदी के तार वाली लफ़े वाली पोशाकें दिखाई, आपको उसमें प्रॉपर चांदी दिख रहा होगा। चंदेरी की पोशाक में क्या होता है ना, देखिए ये जो वर्क है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें चांदी क्या है, इसमें जो काम है, इसके अंदर जो थ्रेड यूज़ किए गए हैं, धागे यूज़ किए गए हैं, वो किसी और चीज़ के यूज़ ना होकर प्रॉपर चांदी के यूज़ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चंदेरी की पोशाक। और जैसे फूल लग गया तो वो मोटा मोटा एक बहुत, लेकिन इसमें इतना बारीकी से काम होता है ना चंदेरी की पोशाक में, इसलिए थोड़ी हैवी होती है ये पोशाकें। और ये पिंक कलर के अंदर है, बहुत सुंदर पोशाक है ये वाली, देखिए ये पूरी की पूरी हैवी पोशाक है पूरी, ये देखिए ये पूरी इस तरीके से हैवी पोशाक है ये लहंगा इसका, सेम पूरी ओढ़ना लैस का जो है सब कुछ बहुत हैवी है। सो ये पूरी ऐसी पोशाक है, चांदी की चंदेरी की पोशाक इसे बोलते हैं, चंदेरी की पोशाक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं। सदाबहार वाली चीजें हैं। सो ये था चंदेरी, चांदी, कॉपर, इनका इनका जो कलेक्शन वीडियो मेरे को दिखाना था मैंने दिखा दिया, होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्राइसेस की अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने आपको बताया अभी जो काम दिखाया चंदेरी का वो हमारे 50 से 55 का पड़ा था, कॉपर की आप बनवाओगे तो वो भी शायद अप्रॉक्सली 20-25 तक की बनेगी, नॉर्मल अगर आप सिल्वर के फूल वाली बनवाते तो 25-30 तक पड़ जाती है आपके, फिर आपकी रेट हाई होती जाती है। और अगर आप कपड़ा मुझसे पूछोगे तो सुमो साठन में आप ये चीज़ बनवाना, प्योर जो ठाकुर जी का उड़ना होता है वो आप लेना। सो ये कलेक्शन था, होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, अच्छा लगा होगा वीडियो, हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना है कि जीजा वीडियो अच्छा लगा, या फिर सपना भाई साहब कुछ भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। एंड ये भी बता देना आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं कोशिश पूरी करती हूँ आपकी हर डाउट को क्लियर कर सकूँ, अलग अलग कंटेंट निकाल के लाती हूँ आपके लिए, डिफरेंट की व्लॉगिंग से हटकर कुछ चीज़ आपको आपके लिए हेल्पफुल रहे वो चीज़ें मैं आपके लिए सोचती हूँ करती भी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा इतना सा सपोर्ट करें, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा के ग्रो करवाएं ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती रहूँ, क्योंकि जैसे जैसे चैनल पता है थोड़ा सा ग्रो होता है ना आप में एक कुछ अच्छा काम करने की और इच्छा होती है, अरे हमसे इतने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा और अच्छा करते हैं। सो ये कुछ पोशाकें मेरे 50K या तो हो चुके होंगे, व्लॉग आएगा तब तक, ये वीडियो आएगा तब तक, या फिर होने वाले होंगे, उस खुशी में मैं आपके लिए इतना स्पेशल से वीडियो लेके आ रही हूँ। अगर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और प्यारे प्यारे वीडियो लेके आती रहूँगी। खमा गणी सा।